यूपी के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। जानेंगे यूपी के सभी जिलों के मौसम का हाल, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। आइए सबसे पहले जानते हैं कहां बारिश होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो यूपी के कानपुर देहात, फतेहपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि यहां पर बारिश की पूरी संभावना है। हालांकि अभी यहां पर तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन हल्की बारिश की संभावना बन रही है। आइए जानते हैं कि कहां पर हल्के बादल छाए रहेंगे। लखनऊ में हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे। कानपुर में आने वाले एक दिन धूप रहेगी, लेकिन अगले दो दिन बादल छाए रहेंगे। जौनपुर में भी बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे। 9 जुलाई को यहां पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वाराणसी में भी 3 दिनों तक ज्यादा बादल छाए रहेंगे, यानी कि यहां पर आसमान बादलों से भरा रहेगा। मुजफ्फरनगर में भी बादल छाए रहेंगे। आपको बता दें कि जिन जगहों पर बादल छाए रहेंगे वहां तापमान भी हल्का गिर सकता है। यहां पर 35 से 38 डिग्री के बीच तापमान रह सकता है। बाराबंकी की बात करें तो यहां पर भी अगले 3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, यानी कि हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। अमेठी में भी आने वाले 6, 7 और 8 जुलाई को बादल छाए रहेंगे। आपको बता दें कि इन सभी शहरों में हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिकों ने कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना भी जताई है, लेकिन यहां पर तापमान भी कम रहेगा। आइए जानते हैं कि कहां तापमान ज्यादा रहेगा। ज्यादा तापमान अंबेडकर नगर में रहेगा। यहां पर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाएगा। गोरखपुर में भी आगामी 3 दिनों तक तापमान बहुत ज्यादा रहेगा। आगरा में भी फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। झांसी यहां पर सबसे ज्यादा तपने वाला है, और पूरे यूपी में झांसी, आगरा के साथ गोरखपुर कुछ ऐसे शहर हैं जो लगातार गर्मी का सामना कर रहे हैं। यहां पर बहुत ज्यादा तापमान हो रहा है। इसके अलावा जालौर, गाजियाबाद, महाराजगंज में भी आने वाले 3 दिनों तक तापमान 40 डिग्री के पार बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। महाराजगंज में भी अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। इन पूरे ही शहरों में धूप खिली रहेगी। फिलहाल यहां के नागरिकों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि सीतापुर भी इसी शहरों में शामिल है। यहां पर भी अगले 3 दिनों तक धूप खिली रहेगी, बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। कन्नौज में किसी जगह हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अधिकतर मौसम विभाग ने यहां पर धूप खिलने की संभावना ही जताई है। चलिए जानते हैं कि सामान्य मौसम वाले कौन से जिले हैं, यानी कि यहां पर फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। यूपी के देवरिया, इटावा, महाराजपुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, बिजनौर के साथ ही मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, बागपत, मुरादाबाद जैसे जिलों में गर्मी रहेगी। यहां पर बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। वहीं आपको बता देते हैं कि मौसम विभाग पहले भी कई बार बता चुका है कि पूरे यूपी में बारिश की जो शुरुआत है वो 10 जुलाई के बाद ही होगी, यानी कि 10 जुलाई तक शहर वासियों को और प्रदेश वासियों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि जो शहर हमने आपको पहले बताए हैं उन शहरों में भी हल्की बारिश की ही संभावना है। अधिकतर जगह केवल बादल छाए रहेंगे, वहां पर बारिश नहीं होगी। तो कुल मिलाकर इस बारिश ना होने के चलते किसानों की समस्या भी बढ़ गई है, क्योंकि अधिकतर किसानों की फसलें सूखने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में किसान टकटकी लगाए आसमान की तरफ देख रहा है कि कब बारिश हो और कब उनकी फसलों को पानी मिल सके। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी से सटे बिहार में भी अभी बारिश की कोई ज्यादा संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है। मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है, और पूरे देश की राजधानी दिल्ली को भी बारिश के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो पूरे देश में 10 जुलाई के बाद मॉनसून एक्टिव होगा। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश के कुछ कुछ हिस्सों में बारिश बरसेगी, लेकिन जुलाई का अधिकतर जो महीना है उसमें केवल हल्की बारिश की ही संभावना है। वहीं आपको बता दें कि यूपी में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यहां के लोग परेशान हैं।
बारिश नहीं हो रही है, किसानों की भी समस्या बढ़ रही है और लगातार यहाँ पर लोग भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि फिलहाल यूपी में तेज बारिश की संभावना किसी भी जिले में नहीं है। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक कर दें। धन्यवाद।